चलिए हेलो स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे ठीक है तो आज की इस लाइव सेक्शन में आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए ठीक है, है आप लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़िए ठीक है, है आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ठीक है आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जुड़िए ठीक है, है और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए ताकि और लोग भी जुड़ सके ठीक है और इस चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कम्पलीट कर ले ठीक है चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आप लोगों को हम बता दें कि प्रत्येक आंसर आपको पाँच से दस सेकेंड के अंदर आप लोगों को बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है आप लोगों को बहुत ही आराम आराम से पढ़ाएंगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आप लोग इसका आंसर बताइएगा ठीक है शुरू से अंतर शुरू से अंत तक आप लोगों को आंसर देते चलना ठीक है किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते ओके आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए लाइव क्लास में ठीक है चलिए ये जो चैप्टर आने वाला का निभुगोल का है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज हम लिए ठीक है जिसका नाम है मानव भूगोल ठीक है मानव भूगोल ठीक है सोनू ऐिरान चलिए ठीक है जी सर जी ठीक है सोनू जी आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए लाइव क्लास में और वीडियो को शेयर कर दीजिए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मानव भूगोल इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र क्या कहते हैं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ठीक है चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ी लाइव क्लास में तो और इसका आंसर बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है बताइएगा मात्रात्मक क्रांति जो है संबंधित होता है किसे संबंधित होता है मानव भूगोल से होता है कि भौतिक भूगोल से होता है की ई ए, ए और बी दोनों से ए और बी का मतलब होता है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से ठीक है और डी में है इनमें से कोई नहीं बताइएगा चलिए सोनू कुमार का आप सर कहाँ से हैं हम आपको हम बता दें कि हम आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट से कहा से नवादा डिस्ट्रिक्ट से ठीक है ठीके? आप लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़िए आप लोगों का सभी का जो भी कमेंट करेंगे हम उसका आंसर रिप्लाई देंगे ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप बताइए कि आप कहाँ से हैं ठीक है आप भी कमेंट करिए कि आप कहाँ से हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कह रहा था कि मात्रात्मक क्रांति जो संबंधित है मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित होता है तो मात्रात्मक क्रांति जो आपको मानव भूगोल से भी संबंधित तो होता है भौतिक भूगोल से भी संबंधित है ठीक है चलिए हिमाचल कुमार ठीक है जय भीम सर ठीक है आप लोग जल्दी-जल्दी आंसर बताइएगा मात्रात्मक क्रांति जो संबंधित है मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों से ओके आप लोग याद रखिएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग दो नंबर की ओर ठीक है चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा कराए किस भूगोल बेता ने राज्य या देश का वर्णन जीवित, जीवित जीव के रूप में किया रहा है बताएगा कराए चलिए सोनू कुमार करें आर से ठीक है है कि किस भूगोल बेता ने राज्य या के राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है बताइएगा दो का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ अमेरिकन भूगोल बेता बी में है कि जर्मन भूगोल बेता सी में फ्रांसीसी फ्रांसिसी भूगोल बेताओ डी में आपको है भूगोल भारतीय भूगोल बेता बताएगा कह रहा था कि किस भूगोल बेता ने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया बताइएगा यानी कहाँ के जो कहा के जो भूगोल बेता है भूगोल शास्त्र के जनक है जो आपको जीवित जीव के रूप में वर्णन किया है तो जीवित जीव के वर्णन किया है किस भूगोल बेता ने तो जर्मन भूगोल बेहता है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग कमेंट क्यों नहीं करें आप लोग कमेंट भी करिए जल्दी जल्दी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग तीन नंबर की ओर बताइए कि ऑडियो वीडियो आप लोगों का क्लियर है या नहीं आप लोग एक बार कमेंट करिए तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट जल्द करिए तीन नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है बताइएगा कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा तीन का क्या हो जाएगा तीन का आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी ठीक है तीन का आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें से तीन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पॉल बिडाल डी ला ब्लास हो जाएगा ठीक है यानी कहने का मतलब वो कि भूगोल समाजों के बारे में या धरातल की भी के के बारे में या इसके रिलेशन के बारे में जो के जो बताया है, माना की किसने परिभाषा दी है तो वॉल ये जो दी आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉल ब्लास ने ओके सी याद रखिएगा ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा चार नंबर की ओर चार नंबर में देखिए क्या रहा है कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण चलिए कौशल कुमार गुड इवनिंग सर चलिए गुड गुड इवनिंग आप लोग जल्दी जल्दी चार नंबर का आंसर बताइएगा कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है यह किसने कहा है बताइएगा आप लोगों को बता दिए कि रेगुलर क्लास आपको आठ बजे शाम में चालू हो जाएगा ठीक है आप लोग आठ बजे एकदम तैयार रहना ठीक है कहीं नहीं जाना और आप लोगों को नेट भी बचा कर रखना ठीक है आप लोगों को डाटा बचा कर रखना ताकि आप रेगुलर लाइव क्लास में जुड़कर यहीं पर आप कंप्लीट कर सकते हैं चलिए कौशल कुमार का सी नंबर आ गया है है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है यह किसने कहा है तो चार का राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा ठीक है ए हो जाएगा एल्स बर्थ हस्टिंग हो जाएगा ओके ये राइट right आंसर हो जाएगा yes, birth, astings, turn हो जाएगा ठीक है कि कौन सा मार्ग जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है पांच का आंसर बताइएगा कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो देखिएगा मानव भूगोल से संबंधित जो है आपको क्षेत्रीय असमानता है मात्रात्मक परिवर्तन और क्षेत्रीय संगठन ये सभी आपको मानव भूगोल से संबंधित है ठीक है या मानव भूगोल के मार्ग हैं इसलिए कौन नहीं है ये पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है मा मानव भूगोल के से ठीक है याद रखिएगा तो मानव भूगोल से संबंधित मार्ग कौन नहीं है तो नई खोज जो आपको मानव भूगोल मार्ग से संबंधित नहीं है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है याद रखेगा पांच का आंसर डी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा सिक्स की ओर अब बताइएगा कौशल कुमार क्वेश्चन नंबर सिक्स का और मानव के बीच क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है बताइएगा कराए की प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या कौन है सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइएगा प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है इसका राइट आंसर बताइएगा यानी सिक्स का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ठीक है प्राकृतिक और मानव के बीच परस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपको समझ बुझ है कौन है समझ बुझ है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समझ बुझ क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं की ओर आप लोग नंबरी देकर आंसर दीजिएगा ठीक है कह रहा है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है आप लोग एक बार वीडियो को शेयर तो कर दीजिए ठीक है वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर शाम के तीन बजे ही स्टार्ट होगा ठीक है कल आपको हम बता दें कि कल आपका तीन बजे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा ठीक है जो भी जुड़िएगा आप लोग तीन बजे आप लोग शाम को जुड़ जाइएगा ठीक है क्योंकि आप लोगों को आठ बजे हम नहीं रहेंगे क्लास में ठीक है क्योंकि हमको कहीं और जाना है ठीक है सुबह हम शाम को हम सात छः बजे हम निकल जाएंगे कहीं और ठीक है कहीं दूसरे जगह जाना है ठीक है रिलेशन के यहाँ इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपका जो क्लास रहेगा आपको शाम के शाम के तीन बजे ही रहेगा ठीक है आप लोग जुड़ जाइएगा शाम के तीन बजे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी इसलिए हम आपको पहले बता दिए ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सात में कहा रहा था कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है बताइएगा कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं तो मानव आवश्यकता मानव आवश्यकता से संबंधित नहीं है कौन नहीं है तो परिवहन नहीं है ठीक है मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है यानी सबसे ज्यादा जो जरूरी है मानव मानव के लिए वो आपको कृषि है ठीक है इसके लिए वस्त्र उद्योग वस है बनी वस्त्र कपड़ा भी जरूरी है इसके लिए घर भी जरूरी है ठीक है गृह निर्माण भी जरूरी है, है तो पूछ रहा था कि कौन संबंधित नहीं है कौन संबंधित नहीं है तो परिवहन नहीं है संबंधित इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा आठ की ओर आप लोग आठ का आंसर दीजिएगा ठीक है आठ में कह रहा है कि कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं, नहीं है इसमें से कह रहा है कि कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताइएगा रोयल मुन्ना जी सर जी बताइएगा आप लोग आठ का आंसर बताइएगा कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है

दो विचारों दो विचारों पर्यावरणीय निषादवाद निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है ठीक है बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा किस भूगोल बेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है ठीक है आप लोगों का रेगुलर क्लास बजे शाम को ही होगा ठीक है लेकिन कल का क्लास आप लोगों को है, है? आंसर आप लोगो आप तो तो आपका डी हो जाएगा टेलर था ठीक है यानी कहने का मतलब हुआ कि किस भूगोल बेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभववाद के मध्यम मध्य मार्ग या मध्यम मार्ग को परिलक्षित करता है तो वे कौन भूगोल बेता है तो टेलर जी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग दस नंबर नंबर में देखिए क्या रहा है कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है क्या है मनुष्य प्रकृति का दास है नहीं गुलाम है सेवक है यह किस दर्शन की अवधारणा है बताइएगा इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है मनुष्य प्रकृति का दास है यह किस दर्शन की अवधारणा है इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा मनुष्य प्रकृति का दास है या किस दर्शन की अवधारणा है तो यह आपको नियतिवाद का अवधारणा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा ठीक है नियतिवाद का नंबर में है निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल का उप शाखा है बताइएगा निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल का उप शाखा सामाजिक भूगोल का उप शाखा कौन है आप लोग इसका आंसर बताइएगा रॉयल मुन्ना सी नंबर दे रहे हैं आप लोग नंबरिंग देकर तो आंसर दीजिए नंबरिंग करके दीजिए ठीक है दस नंबर का ये होगा, होगा बी होगा सी होगा जो भी होगा आप लोग आंसर दीजिएगा रोयल मुना बी दे रहे हैं चलिए आप लोग नंबरिंग तो दीजिए नंबरिंग नहीं देते हैं कैसे पता लगेगा कि किसका आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह में कर रहा है निम्नाकित में कौन समाजी भूगोल वेता की एक उप शाखा है चलिए बी नंबर दे रहे हैं ग्यारह का आंसर हो जाएगा देखिए सामाजिक भूगोल सामाजिक देखिए सामाजिक भूगोल की एक उप शाखा पूछ रहा था सामाजिक भूगोल की उप शाखा ये कौन सी हो जाएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा ठीक है चिकित्सा भूगोल हो जाएगा क्या हो जाएगा चिकित्सा भूगोल हो जाएगा ठीक है सामाजिक के लिए समाज के लिए क्या जरूरी है तो चिकित्सा जरूरी है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेगा बारह नंबर क्यों आप लोग सभी का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ठीक है एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है सभी का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बारह की ओर देखिए बारह नंबर क्वेश्चन आपको दो हजार बाईस के वार्षिक परीक्षा में, में पूछा गया ठीक हजार बाईस के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया नंबर नंबर में 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्न पुस्तकों में कौन हम बोल्ट द्वारा लिखित है बताइए निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम्प वोल्ट द्वारा लिखित है हम्प वोल्ट एक भूगोल बेता है इनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है आप लोगों को बताना ठीक है निम्न पुस्तकों में कौन हम्प वोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है तो आप लोगों को बताइए ना बताना इसका आंसर ठीक है चलिए जो भी जो भी जुड़ रहे हैं वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर कर देना ठीक है चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है आप लोग रेगुलर आठ बजे जरूर जुड़िएगा जुड़ कर निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम वोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखेगा बी हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा काश मास का जो है आपको हम वोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है ओके याद रखेगा चलिए कौशल कुमार बारह का बी नंबर चलिए ठीक है कौशल कुमार क्वेश्चन नंबर तेरह नंबर क्यों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह में करा निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताइएगा निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ठीक है नहीं पूछ रहा है ठीक है हम लोग गलती पढ़ ली सॉरी करा निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है इसका आंसर बताइएगा मानव भूगोल से संबंधित कौन सी नहीं है आप लोगों को बताना है नंबर का आंसर बताइएगा तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन नहीं है तो समुद्र विज्ञान चलिए नंबर नंबर का सी दे रहे हैं ठीक है कौशल कुमार का ठीक है समुद्र विज्ञान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ठीक है सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह में कह रहा है कि संबंधित है बताएगा फैब्रे जो है संबंधित है किससे संबंधित होगा तो फैब्रे बताइएगा फेब्रे संबंधित है किससे संबंधित है जो भी दोस्त होंगे उनके पास भी वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ जाए ठीक है तेरह नंबर का सी दे रहे हैं रोयल मुन्ना ठीक है उनका भी सही है ठीक है बताइएगा आप लोगों को बताना चौदह नंबर कर जो संबंधित है किससे संबंधित है आप लोग को बताना जल्दी जल्दी बताएगा फेवरे जो संबंधित है आपको संभव आद से संबंधित है किसे है तो संभव आद से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग पंद्रह नंबर देखिएगा पंद्रह नंबर फिफ्टीन नंबर में क्या करा है 15 नंबर में करा है कि संभव की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है बताइएगा करा है की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंद्रह का संभववाद की अवधारणा में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है तो देखिएगा देखियेगा के में सबसे ज्यादा जो महत्व माना गया है वो आपको मानवीय घटक है कौन सी घटक है तो मानवीय घटक के ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए। ओके मानवीय घटक को जो है संभववाद के अवधारणा में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया ओके याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया बताइए अभी बताना आप लोगों को नियतिवाद में अगला बताए थे संभववाद में तो संभाव में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था मानवीय घटक था ठीक है अब बताना है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया इसका राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है तो नियतिवाद में जो माना गया आपको प्रकृति घटक और मानवीय घटक प्रकृति घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया महत्वपूर्ण नियतिवाद में ठीक है इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे ए और बी दोनों।, इस दोनों ओके आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक इसलिए सी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सत्रह नंबर आप लोग रोज लाइव क्लास में आठ बजे जुड़िएगा ठीक है, है हमारे साथ लेकिन कल की क्लास आप लोगों को शाम में तीन बजे ही लेना है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह में देखिए क्या करा है करा है निम्नलिखित में कौन एक निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बताइएगा

शाम के दो बजे होने वाला ठीक है क्लास टेंथ के लिए और आप लोगों को क्लास टूवेल्थ के लिए जो क्लास आप लोगों को शाम के आठ बजे होगा वो क्लास आप लोगों के लिए शाम के तीन बजे होने वाला ठीक है जो भी क्लास टेंथ के होंगे उनको आप बोल दीजिएगा कि दो बजे जुड़ जाइए और ट्वेल्थ के होंगे वो आप शाम के तीन बजे जुड़िएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना नंबर पर थे क्वेश्चन नंबर सत्रह पर थे ठीक है में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं में से कौन सा एक भूगोल से संबंधित नहीं है तो भूगोल से संबंधित कौन नहीं है आप लोगों को बताना था ठीक है तो आप लोग बता दिए होंगे तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है मात्रात्मक क्रांति मात्रात्मक क्रांति जो आपको मानव भूगोल से संबंधित नहीं होता ठीक है ऑप्शन नंबर इसका सी सॉरी बीन आंसर हो जाएगा ठीक है मात्रात्मक क्रांति जो आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं ठीक है ये आपको 2016-2020 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अठारह नंबर देखिएगा अठारह नंबर में क्या करा है करा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है बताइएगा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताते चलिए ठीक है आंसर बताने से आपको आंसर याद हो जाएगा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक आपको टेलर जी है कौन है तो टेलर है ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए 2013, 2015, 2016, 2018 में पूछा गया ठीक है अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा ठीक है चलिए आपको यहाँ से हंड्रेड परसेंट यहाँ इस वीडियो से ठीक है इसलिए आप लोग जरूर देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर लोग उन्नीस की ओर बढ़ते कारा है कि, कि किसने कहा माना प्रकृति का दास है बताइएगा प्रकृति का मतलब होता है नेचुरल ठीक है नेचर जिसको कहते हैं जो प्रकृति ने दिया उसे हम लोग प्रकृति ही कहेंगे और दास का मतलब सेवा करी नौकर ठीक है यानी गुलाम जिसको कह सकते हैं कह रहा है किसने कहा कि मानव जो है प्रकृति का दास है ठीक है बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा मानव प्रकृति का दास है किसने कहा है आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा मानव प्रकृति का दास है ये किसने कहा तो मानव प्रकृति का दास है इसका आंसर क्या हो जाएगा ये किसने कहा तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा एलियन सेमपुल ने कहा किसने कहा तो एलियन सेमपुल ने कहा ओके याद रखिएगा कि मानव प्रकृति का दास है इस कथन को किसने प्रस्तुत किया या किसने कहा है तो एलियन सैंपल ने कहा ओके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ओके सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताइएगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है कहता है कि मानव भूगोल का जनक ठीक है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है बताइएगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो, माना का का हो जाएगा तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है आपको को कहा जाता है किसे कहा जाता है को इक्कीस नंबर को देखियेगा इक्कीस नंबर में क्या करा है जैसा कि आप लोग इक्कीस नंबर में देख रहे हैं इक्कीस नंबर में करा है कि जोग्राफिया जेना जनरलिस्ट के लेखा कौन है बताइएगा जोग्राफिया जनरलिस्ट के लेखा कौन है आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्योग्राफिया जनरल लिस्ट के लेखक कौन है इसका आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज्योग्रफिया जनरल लिस्ट के लेखक कौन है आप लोग को बताना है ठीक है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देगा ठीक है आपको रेगुलर कंटेंट आपको बेहतरीन मिलने वाला इस चैनल पर ठीक है करा ज्योग्राफी जर्नलिस्ट किससे संबंधित है या इसके लेखक कौन है तो ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक जो आपको वारेनियर है कौन है तो वारेनियर है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखेगा ज्योग्राफी जर्नलिस्ट जो लेखक है इनके वारे वारेनियर नियर है ठीक है याद रखेगा क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग बाईस नंबर में बाईस नंबर में कह रहा है कि एंथ्रोपो एंथ्रोपोजोग्राफी एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखा कौन है बताइएगा एंथ्रोपो एंथ्रोपोजोग्राफी एंथ्रो नामक पुस्तक के लेखा कौन है इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखा कौन है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इनके पुस्तक के लेखक है रेट जेल है कौन है रेट जेल है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा के जो नामक इसके जो लेखक है आपको रेट जेल दिया है संभाववाद शब्द का संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया बताइएगा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठीक है कर संभववाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है तो इसका आंसर आप लोग बताएगा संभावत ने किया है का सर्वप्रथम क्या किया था प्रयोग किया ठीक है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा लुसियन फेबरे ओके याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग चौबीस नंबर देखिएगा चौबीस नंबर में क्या करा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों संबंधों का अध्ययन है ठीक है ये किसने कहा है या इस यह जो कथन है किसने कहा है बताइएगा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है यह किसने कहा है बताइएगा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ये किसने कहा है तो यह आपको एल एन सी सेम्पोल ने कहा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एल एन सी सेम्पल ने ओके याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग पच्चीस कारण निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं बताएगा इसका आप लोग पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन ठीक है कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं आप लोग इसका आंसर बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं था भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं चंद्रमा से, से चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो आपको भौगोलिक भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग छब्बीस नंबर देखेगा छब्बीस नंबर में क्या करा है आप लोग छब्बीस नंबर का आंसर बताइएगा ठीक है छब्बीस नंबर में देखिए क्या करा है जैसा कि आप लोग छब्बीस नंबर में देख रहे हैं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता बताएगा निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता बताएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है कथन जो आपको भूगोल का वर्णन नहीं करता ज्योग्राफी का वर्णन नहीं करता है वह कथन कौन सा बतेगा तो देखिएगा भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता इस कथन में तो भूगोल का वर्णन नहीं करता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वैधता आश्रित ठीक है द्वैदता आश्रित तो जो होता है आपको आपको भूगोल का वर्णन नहीं करता जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं ठीक है ये सभी जो तीनों ऑप्शन है आपको भूगोल का वर्णन करता लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपको कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता था भूगोल का वर्णन नहीं करता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वैदता आश्रित ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सताइस नंबर देखिएगा सताइस नंबर में क्या कर रहा है सताइस नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आधुनिक भूगोल के कौन है बताएगा मानव भूगोल के जनक कौन है इसका आंसर बताएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ठीक है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है तो आप लोगों को भी पता होगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक आपको फ्रेडरिक रेट जेल जी है कौन है तो फ्रेडरिक रेट जेल जी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग अट्ठाईस नंबर की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में करा रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे बताइएगा नियतिवाद के विचारक कौन थे आप लोग को इसका आंसर बताना ठीक है नियतिवाद के विचारक कौन थे आप लोग इसका आंसर बताइएगा ठीक है नियतिवाद के विचारक कौन थे इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर ठीक है नियतिवाद के विचारक कौन थे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है आप लोग आंसर सभी का आंसर जरूर बता ठीक है नियतिवाद के विचारक कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा नियतिवाद के विचारक जो पूछ रहे हैं आपको देखेगा नियतिवाद के विचारक कौन थे तो देखिएगा इसमें से आपको राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी ठीक है कहने का मतलब हुआ कि ये जो तीनों ऑप्शन है सभी आपको नियतिवाद के विचारक है ए नंबर में आपको लिखा हुआ है ई कांट लिखा हुआ है ई ईसवी जो लिखा हुआ है ई कांट जो आपको नियतिवाद के ही विचारक है हम बोल्ट जो है आपको नियतिवाद के विचारक है इसके बाद रीटर जी जो है आपको नियतिवाद के ही विचारक है इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा इनमें से सभी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग नंबर की ओर देखिएगा उनतीस नंबर में क्या करा उनतीस में करा कि भूगोल का जनक माना जाता है बताइएगा भूगोल का जनक किसे माना जाता है आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है यानी भूगोल का जो जनक है किसे कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है आप लोग बताइएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पिता किसे गया था या भूगोल का जनक किसे माना जाता है तो आप लोगों को भी पता है कि भूगोल का जनक जो आपको यूनान को माना जाता है किसे माना जाता है यूनान के ही रहने वाले थे उन्हें माना जाता है, ठीक है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भूगोल का जो जनक है वो कहाँ के थे तो यूनान देश के थे ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तीस नंबर में कराई की रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है बताइएगा दी है आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा ठीक है आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है तो आप लोगों को भी पता होगा ठीक है कि रुको और जाओ रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा डी हो जाएगा टेलर जी ने कहा ठीक है टेलर जी ने कहा कि रुको और जाओ निश्चय बात की संकल्पना का प्रतिपादन किए ओके ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग 31 नंबर की ओर इकतीस में कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है बताइएगा व्यवहारिक भूगोल राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप है इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आप लोग का आप लोग आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा व्यवहारिक भूगोल राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल उप क्षेत्र है एकतीस का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा तो देखेगा व्यवहारिक भूगोल हो गया या राजनीतिक भूगोल हो गया या आर्थिक भूगोल हो गया या तो आपका सामाजिक भूगोल या किसके भूगोल के उपक्षेत्र है तो ये आपको मानव भूगोल के उपक्षेत्र है ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल ओके नेक्स्ट ले क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा बत्तीस आप लोगों को कहीं भी टेंशन नहीं लेना ठीक है किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना या कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं या कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को बता दें कि सिक्स टू ट्वेल्थ तरफ का आपका वीडियो इस पर मिलेगा ठीक है तो देखिए फिलहाल हम आप लोगों के लिए दो ही आपको स्टार्ट किए ठीक है क्लास टेंथ के लिए आपको लाइव क्लास पहले स्टार्ट किए इसके बाद क्लास ट्वेल्थ के लिए भी स्टार्ट किए ठीक है आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का भी आपको वीडियो मिलेगा ठीक है लाइव क्लास चाहते हैं तो लाइव क्लास ही मिलेगा ठीक है और क्लास एट क्लास का भी मिलेगा ठीक है सभी विषय का मिलेगा इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जो भी भाई बहन हो उनके पास जरूर शेयर करिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर बत्तीस में रहा है कि मानव भूगोल विचारकों बिचारक, विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है ना कि भौगोलिक ज्ञान की विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परि परिणाम है ठीक है यह परिभाषा किसने दी तात्कालिक परिणाम है यह परिभाषा किसने दी है इसका आंसर बता क्या हो जाएगा मानव भूगोल जो बिचार, है मानव भूगोल विचारकों के विकास की व्यंजना है ना कि भौगोलिक ज्ञान की पर, की की के विस्तार दिकास और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है यह परिभाषा किसने दी है तो आप लोगों को भी पता हो कि यह परिभाषा आपको बिडाल, बिडाल नेक्स्ट ने। क्वेश्चन ने तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग तेतीस नंबर करा कि उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ नब्बे का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है बताइएगा उन्नीस सौ नब्बे का दशक जो है उन्नीस सौ नब्बे का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा उन्नीस सौ नब्बे का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता, जा उपा... जाता है तो यह जाना जाता है आपको आधुनिकतावाद के लिए किसके लिए जाना जाता है तो आधुनिकतावाद के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो आप लोगों को बता दें कि जो भी क्लास है आपको आठ बजे आपको रेगुलर लाइव क्लास में जुड़ जाना ठीक है लेकिन कल का क्लास आपको शाम के तीन बजे होने वाला आपको शाम के तीन बजे जरूर जुड़ना है जो भी क्लास टेंथ में हो गए उनको आप बोल दीजिएगा कि शाम के दो बजे आपका स्टार्ट होगा ठीक है लेकिन रेगुलर जो, जो क्लास चलने वाला है आपको सात बजे आपको क्लास टेंथ का स्टार्ट होगा और आठ बजे आपको क्लास ट्वेल्थ का स्टार्ट होगा ठीक है सभी 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 सेक्शन का स्टार्ट होने वाला चाहे आप साइंस से लिए हो या तो आप आर्ट से हो ठीक है आप किसी भी स्ट्रीम से हो या तो कॉमर्स से हो ठीक है किसी भी स्ट्रीम के लिए हो आप सभी का वीडियो आपको मिलेगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देख लेते हैं चौतीस नंबर कह रहा है कि बलाश जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है बताइएगा बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कह रहा है कि बलाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है तो यह संबंधित है आपको देखिएगा बलाश जी जो है ठीक है बलास जी जो है आपको भूगोल के भूगोल के क्या है जनक है ठीक है भूगोल के कह सकते हैं कि अच्छे जानकार हैं ठीक है

आप लोगों के लिए और आगे क्वेश्चन ले कि इतना ही क्वेश्चन रहने दे ठीक है फर्स्ट चैप्टर का आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया ठीक है आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला ठीक है अगर आप लोग यहाँ से देख लेते हैं ये चैप्टर जो पढ़ाए फर्स्ट नंबर का तो आप लोग हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्टिव करके आएंगे इस चैप्टर से ठीक है क्योंकि इस चैप्टर से आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता ठीक है जो भी पूछा हुआ था या नहीं पूछा हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए ठीक है थीके? इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि और आगे क्वेश्चन लें कि यहीं पर रहने दे ठीक है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए चलिए तो आप लोगों के लिए कमेंट में कोई भी विकल्प नहीं आ रहा ठीक है कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोग इतना ही रहने देना चाहते हैं ठीक है तो मिलते हैं हम लोग कल के इस वीडियो में हम लोग कितने बजे मिलेंगे तो शाम के हम लोग मिलने वाले तीन बजे ठीक है आप लोग शाम के तीन बजे जरूर जुड़िएगा ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो धन्यवाद